नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में बड़ा धमाका होते हुए दिख रहा है आज के सेशन में। बैंक निफ्टी कल जितना गिरा था उससे दो कदम ऊपर आ गया है। निफ्टी तो खैर गिरी नहीं रहा है, डेली बेस पे हायर हाईज ही दिख रहे हैं। कल भी ये चीज आपसे शेयर करी, आज फिर आपको बता रहा हूं और आज तो लाइव हाई लगने वाला है कहीं ना कहीं बाजार में। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं एग्जैक्टली 3 बज रहे हैं और 18,852 यानी 18,852 का लेवल आपकी स्क्रीन पे है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा अपनी वो पोस्ट जो मैंने एक महीने हुए ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, मैं आपके साथ टाइम भी शेयर करना चाहूंगा, जब मैंने जून सीरीज के लिए दी, दो वीक हुए हैं, एक महीना नहीं दो हफ्ते हुए हैं, जून सीरीज के लिए मैंने आपसे पूछा था निफ्टी इन जून सीरीज 18,250 to 18,700 के बीच में रहेगा, 18,350 to 18,900 के बीच में रहेगा या विल हिट 19,000 मार्क। न जाने कितनी वीडियोस बनाई निफ्टी 19,000 पिछले कुछ हफ्तों में। काफी लोगों ने कहा थम्स अप जाएगा, लेकिन कुछ लोग वही थे जिनके अपनी प्रॉब्लम रहती है, कहते हैं भैया नहीं जाने वाला बाजार कहीं भी, 19,000 बिना बात के बात मत करो, लोगों को मत फंसाओ, ट्रैप मत करो। सबसे सिंपल और आसान सा जवाब दे देना सिंपल से सवाल का कि मैं आपको फंसा के मेरा क्या फायदा होगा। इनफैक्ट अगर मैं कोशिश ये करूंगा आप एक बार फंसोगे दूसरी बार छोड़ के चले जाओगे। मुझे भी चैनल को कोई कुछ जा थोड़ी रहा है, कोई गवर्नमेंट ने थोड़ी कहा कि सबको ये अंकुर उपाध्याय की शेयर मार्केट एनालिसिस देखना, नहीं ना, तो छोड़ के चले, नुकसान किसका हुआ, मेरा इनडायरेक्टली। तो मैं क्यों आपको फंसाना चाहूंगा, खैर इन सब बातों को पीछे छोड़ते हैं। 6,700 वोट्स थे टोटल, अराउंड 56% वोट आए थे विल हिट 19,000, यानी कि सबका मानना भी यही था 19,000 जाएगा। बाजार आज का हाई 18,863 है, लाइफ टाइम हाई 18,887 का है। अगर आप ऊपर से देखें तो केवल और केवल 25 पॉइंट दूर रह गए हम, 25 पॉइंट अभी के हिसाब से, क्या पता ये वीडियो जब तक अपलोड हो तब तक लग जाए, और नहीं भी लगता है तो दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। आज वीकली क्लोजिंग है, ठीक है, लाइफ हाई वीकली क्लोजिंग देखने को मिल रही है आपको, इंट्राडे बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे बोलूंगा, यानी कि दिन के दौरान जो क्लोजिंग हुई है, जिस दिन वो लाइफ हाई लगा था 18,887 का, उस दिन क्लोजिंग आई थी 18,812 की, आज उसके ऊपर है, यानी लाइफ हाई क्लोजिंग भी में भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक तो 850 पे ही चल रहे हैं। तो लाइफ हाई बेशक लगा नहीं है, लेकिन दो जगह आपको आज लाइफ हाई होते हुए दिख रहा है, एक क्लोजिंग ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, एक इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे भी मुझे लगता है अब मिलना चाहिए लाइफ हाई। अब आते हैं कि यहां से और क्या लीजिए भैया, निफ्टी 600 पॉइंट ऊपर हो गया, सॉरी बैंक निफ्टी 600 पॉइंट हो गया, कल 550-590 पॉइंट गिरा, 600 पॉइंट से ज्यादा की तेजी भी दिख रही है, 44,000 के ऊपर दोबारा निकला है, बदले की आग से तूफानी रफ्तार कि कल भैया गिर क्या गया मैं, आप लोगों ने तो मुझे बिल्कुल अवॉइड कर दिया। तो बाजार में ये शानदार तेजी है, आपसे अभी भी बोल रहा हूं कि अभी मत बेचना अपनी पोर्टफोलियो को, अपने शेयर्स में छेड़खानी मत करो, जो आज खरीद के कल 2% बेच के जा रहे हैं वो बना नहीं रहे हैं पैसा, वो छोड़ रहे हैं पैसा। ये इतना बड़ा यहाँ पे समुद्र रखा है, आप इसमें से चुग रहे हो दाने, और जब मार्केट नीचे भी जाएगा, लेकिन अभी नहीं, जब नीचे जाएगा तो आप अपना लॉस ऐसे थोड़ा थोड़ा नहीं दोगे भर के, तो इस बीच में आपने क्या कमाया, कुछ नहीं, लेकिन लॉस जरूर कर लोगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जब लॉस की साइकिल पूरी देखते हो तो एक बार प्रॉफिट की पूरी साइकिल देखो, आप डेफिनेटली प्रॉफिट में आओगे। लॉस में वही लोग रहते हैं जो प्रॉफिट के समय तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, और जब बाजार नीचे जा रहा होता है तो बने रहते हैं कि नहीं हम नहीं बेचेंगे, हम नहीं बेचेंगे, और फिर इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, यार बाजार तो सट्टा है, बाजार ये है, बेकार है, बर्बाद हो जा, अरे यार आप करी गलती रहे हो, तो बैठे रहो दबा के। देखिए गोल्डमैन सैक्स 20,000 बोल के चले गए दिसंबर के लिए, 19,000 तो आएगा आपके लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल डेफिनेटली है, लाइफ हाई लगते ही 950 तो मानते हो, उसके बाद 19,000 भी देख लेंगे, वो साइकोलॉजिकल लेवल कितने दिन टिकता है, एक एक्सपायरी टिकता है, एक एक्सपायरी होती है फिर वो नए लेवल शुरू हो जाते हैं, तो मार्केट में आपका नेगेटिव रहने का मतलब ही नहीं बनता है। अब देखिए जो पूरे दिन से लाल निशान में था आईटी, वो भी सेकंड हाफ में बढ़िया में आ गया। आईपीओ की इस तरीके की लिस्टिंग आपने लास्ट कब देखी थी, जो आईपीओ 37% प्रीमियम से लिस्ट हो और उसके बाद भी तेजी में ही जाए, 40% अभी भी ऊपर है। पीएसयू बैंक्स शानदार, हालांकि मैं आईटी के लिए दोबारा बोलना चाहूंगा वो अभी भी लाल निशान में नहीं है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बदल गया है, जो सुबह मिड कैप एक्शन में थे लार्ज कैप आ गए हैं। इंफोसिस 1% ऊपर, ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, एंड
टीसीएस आज प्रेशर बनाने का काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है मैंने। पीएसयू लीडरशिप ले रहा है, मीडिया में बढ़िया दे दिया है, फाइनेंस सर्विसेज ऊपर है, निफ्टी बैंक में बढ़िया दे दिया, एफएमसीजी लीडरशिप आई रही है कंटिन्यू, फार्मा बढ़िया तेजी में चल रहा है, और कुछ ऐसे स्टॉक है जो अननोन है वो भाग रहे हैं बुरी तरीके से, उनके बारे में भी बताऊंगा। मेटल्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, सेक्टर स्पेसिफिक बढ़िया मूव है। निफ्टी की बात करें तो 40 शेयर्स पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है, और 40 जो पॉजिटिव उसका टॉप लीडर है एचडीएफसी लाइफ। मैंने इंश्योरेंस से दो स्टॉक्स आपके साथ शेयर करे थे, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। एचडीएफसी लाइफ मुझे महंगा लगता है, वो दो भी बढ़िया कर रहे हैं, और ये मैंने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए वीडियो भी बनाई थी आप सभी के साथ, तो बढ़िया मूव आ गया है आज के सेशन में। तो आज के तो मजेदार मूव रहे हैं, बहुत ही शानदार। मेजगांव डॉक के ऊपर कुछ लोग वीडियो चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस पे बनाऊंगा मैं आप सभी के साथ वीकेंड के दौरान। बट मार्केट में दोबारा रिपीट करूंगा, कोई भी इस समय अपनी बेचने की जल्दबाजी ना करे, पोर्टफोलियो को बने रहने में ही पैसा बनता है, आपको दोबारा बता दूं। मार्केट अभी थोड़े दिन बाद 200 पॉइंट चलेगा, लेकिन शेयर 4-4, 5-5% भागेंगे। कौन से दिन कौन सा भागेगा आपको मुझे नहीं पता, इसलिए बने रहने में फायदा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी मार्केट पे वीडियो, होप आपको समझो पसंद दोनों आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।